गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, कैम छो। और आज एक नए दिन की फिर से शुरुआत कर रहे हैं और आज स्पेशल ट्रैकिंग का डे है, तो ट्रैकिंग करने वाला हूं मैं। और पीछे आपको बड़ा सा पर्वत दिखेगा, इसका नाम है सालेर पर्वत। महाराष्ट्र की पहली या दूसरी नंबर की ये चोटी है, ऐसा बोलते हैं, किला पहला या दूसरा नंबर का हाइट पर है ये। तो स्पेशली ट्रैकर्स लोग यहाँ पर आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। आप देखो चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में ये जगह है और ये छोटा सा गांव भी है यहाँ पर, सालेर गांव बोलते हैं उसको। वैसे दिखने में छोटा लग रहा होगा क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ, लेकिन आप सर्च करना सालेर फोर्ट करके तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी कितना हाइट पर है ये। और इसको चढ़ने में 3 घंटे लगने वाले हैं, 3 घंटे। बारिश का मौसम है तो इसलिए कीचड़ बहुत हो गया है ज़्यादा। ऊपर से पानी आ रहा है वहाँ से, पहाड़ी पर से बहता बहता। इतना बढ़िया फॉग है, अभी तो वहाँ जाना है, वहाँ तक है ये। पूरा पानी स्टोर हुआ है ऊपर से आके। शूज गीले हो गए भाई, गीले हो गए, जूते में पानी भर गया, ठंडा ठंडा लग रहा है, जूते भीग गए पूरे पानी में। जबरदस्त नज़ारे देखो, ऊपर से पानी आता है और पूरा पानी भरा हुआ है, एकदम साफ पानी है। पीछे पूरा पानी, जंगल, हरियाली, पहाड़, क्या कहना, इतना साफ पानी है। पूरी मिट्टी नीचे की और नीचे की पत्ती, झाड़ पत्ती सब दिख रही है। यहाँ से एकदम घना जंगल शुरू हो गया है। फॉग बढ़िया सा दिख रहा है ऊपर। यहाँ से पत्थरों में से पूरा खड़ा खड़ा चढ़ना है ऐसे। पुरानी सीढ़ियाँ हैं ये, पहले के ज़माने की। पीछे का नज़ारा देखो, कितने ऊंचे आ गए हम लोग। कितना बढ़िया नज़ारा है, सीन देखो आप, वाह, मज़ा आ गई। अभी थोड़ा फॉग कम हुआ है, यहाँ से थोड़ा दिख रहा है। ये देखो पूरी दीवार है और पूरा ऊपर तक ये पहाड़ है, वहाँ जाना है हमें। वहाँ पर धुम्मस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा धुंध है। तो फाइनली किले का द्वार आ गया है और यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा धुम्मस है। कितनी लंबी चौड़ी दीवार है किले की, पूरी बाउंड्री वॉल बनी हुई है बहुत आगे तक, लेकिन आगे
कोहरा धुंध बहुत ज़्यादा है इसलिए दिखेगा नहीं। यहाँ पर ये दीवार टूटी हुई है, बिल्कुल ऐसा है पूरा यूँ डीप। अभी तो बहुत ज़्यादा कोहरा है तो ऐसा लग रहा सारे बादल ही बादल हैं और हवा बहुत आती है, तो इधर आगे बिल्कुल मत आना। मैं आपको दिखाने के लिए आगे आया हूँ, वो भी एकदम देखो किस तरह से बैठा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान रखना प्लीज़। चलते आगे देखते हैं और कुछ मिलता है तो। इससे आगे रास्ता नहीं है, अगर मैं यहाँ से स्लिप हुआ तो सीधा नीचे जाऊँगा, तो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, मैं यहाँ से ऊपर होके जाने की कोशिश करता हूँ। सांप बाप का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अंदर कहीं घुस के बैठा होता है, अपना पैर लग जाए तो बहुत रिस्की काम हो जाएगा। अचानक से इतना तेज़ बारिश शुरू हो गया कि पूरी यूनिफॉर्म पहननी पड़ी फिर से। अभी इसको पहन के रखूँगा, आप नहीं निकालूँगा। नज़ारा देखो आप, पीछे से हम आए हैं घूमते घूमते और पूरा जंगल है चारों तरफ, देखो आप हरियाली पहाड़ी दिखेगा आपको। बोर्ड दिख रहा है एक सामने, देखो किल्यांग जानेचा मार्ग, मतलब किले पे जाने का रास्ता ये वाला। तो मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, चलता ही गया तो चलो आखिर में सही जगह पे आए। नीचे का नज़ारा देखो, पूरा खाई है पेड़ पौधे और सीधा नीचे खाई है, देख कुछ नहीं रहा है नीचे, पता नहीं कितना ऊपर है लेकिन चलना जारी है। इतना ऊंचा अभी दिख रहा है धुम्मस का मुंह है, वहां जाना है। यहाँ तो रास्ता बंद हो गया, तो यहाँ रास्ता बंद हो गया है, दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। नीचे देखो आप कितना ज्यादा खाई है, पूरा बहुत ज्यादा ऊंचाई पे हूँ इस वक्त। ये रास्ता है देखो, इसको कौन रास्ता बोलेगा, कोई दिख ही नहीं रहा है। यहाँ से जाना है ऊपर, पानी चल रहा है पत्थर पे, पूरा पानी है और एकदम ये चिकना है, स्लिप हो रहा है, तो ध्यान से पकड़ पकड़ के चलना पड़ेगा। तो अभी साफ दिख रहा है कि ये किले का रास्ता है, देखो अच्छा सा दोनों पहाड़ के बीच में से सीढ़ियाँ जा रही है पुरानी, तो चलते अंदर, रास्ता मिल गया नहीं तो यहीं से रिटर्न लौटना पड़ता। यहाँ पर देखो एक गुफा बनी हुई है, काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं आके ट्रैकिंग करने वाले, ये देखो यहाँ पर खाना वाना बनाते हैं और रात गुजारते हैं। इतनी अच्छी जगह है, नेचुरल हवा पानी है, इतनी ऊपर जगह है उसमें भी आप बॉटल और वेफर और ग्लास वगैरह छोड़ के जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखो प्लीज़। नज़ारा देखो आप, बस यहाँ पर जाना है, ये पूरा खाई धुम्मस से नीचे।
पूरा कुंड है बड़ा सा, और इसमें केकड़े हैं ये देखो। तो इसमें पहले हवन वगैरह होता था, लेकिन अभी इसमें पानी भरा हुआ है बारिश का। अब मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी चलता रहता हूँ और कुछ दिखे तो। एक भाई दिखा मुझे इतनी देर बाद, 2 घंटे बाद एक इंसान दिखा है। ये देखो पुराना ये खंडर है किले का, वहाँ पर एक होटल बनाई हुई है, और ये होटल वाला क्या नाम है, पृथ्वीराज गौरी। पृथ्वीराज गौरी है ये, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों मिक्स हो गया, पृथ्वीराज गौरी होटल किला। धुआं बहुत है धुआं। तो यहाँ पर ये पुराना स्ट्रक्चर है किले का, और अभी इन्होंने यहाँ पर होटल बना लिया, अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अच्छी बात है, लोगों को भी सुविधा मिल जाती है, ऊपर कोई आता है तो उनको खाना पीना नाश्ता बिस्किट चाय सब कुछ मिल जाता है। ये क्या है, ये दरवाजा है छोटा सा, इसका एंट्री वहाँ से है। हाँ वहाँ से भी। अच्छा से नाइट में आते हैं। अच्छा रात को रुकते हैं लोग। पुराना किले का अवशेष है, और यहाँ पर सारे ट्रैकिंग वाले रात को गुजारा करते हैं, अपना खाना पीना अगर साथ में लाते तो बनाते हैं यहाँ पर। नीचे आप देखो एक बार कैसा दिखता है, थोड़ी दूर तक बस हरियाली दिखती है, उसके बाद में कुछ नहीं दिखता है। चलो थैंक यू, हाँ मिलेंगे। ये जो सालेर पहाड़ है ये बहुत सुंदर है और बहुत ऊंचा है, ट्रैकिंग करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर ठंडा क्लाइमेट है यहाँ पर अभी, और मॉनसून में स्पेशल यहाँ पर आना चाहिए। और नीचे देखो आप फॉग, कितना फॉग चल रहा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वीट टेक केयर, अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार, आप जो